स्वाद में मीठी दालचीनी यानी सिनेमन का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में मसाले के तौर पर किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ये किसी जादुई औषधि से कम नहीं है। चाहे आपके सिर में दर्द हो या जुकाम, दालचीनी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बदलते मौसम के लिए आपकी सेहत पर जादुई असर करते हैं। एंटी फंगल, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, विटामिन, नियासिन, थियामिन, लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट्स, जी हाँ, इतने सारे पोषक तत्व का भंडार दालचीनी का सेवन आपकी पेट के आसपास जमा चर्बी को यूं पिघाल देगा। वजन कम करने के साथ ही ये पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर करने में बहुत कारगर है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जबरदस्त काम करता है। गर्म पानी के साथ दालचीनी का सेवन आपके बढ़ते वजन को रोकने की क्षमता रखता है। दरअसल जब आप ये जादुई ड्रिंक पीते हैं तो ये आपकी भूख को कम करता है और आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। PCOS की समस्या से राहत। महिलाओं को होने वाली PCOS की समस्या आजकल काफी कॉमन हो रही है। इसमें शरीर के अंदर कई हार्मोनल चेंज होते हैं जिस वजह से गर्भ में सिस्ट बनने लगता है और इससे ओवरी का साइज बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी में दालचीनी और शहद मिलाकर पीने से पीरियड्स में होने वाले दर्द के साथ पेट के दर्द में भी बहुत लाभ होता है। पाचन व्यवस्था करें दुरुस्त। गर्म पानी के साथ दालचीनी का सेवन पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, ये कब्ज और अपच की दिक्कत से छुटकारा दिलाता है। यही नहीं, इसका नियमित सेवन करने से ब्लोटिंग और गैस की दिक्कत भी दूर हो जाती है। डायबिटीज में फायदेमंद। अगर आप नियमित इस ड्रिंक का सेवन करते हैं तो आप डायबिटीज की समस्या से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। दालचीनी का पानी रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही बॉडी में इंसुलिन के स्तर को मेंटेन रखता है। इम्यून सिस्टम करे दुरुस्त। बदलते मौसम के साथ अक्सर सर्दी खांसी की समस्या हमें घेरे रहती है। ऐसे में दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जबरदस्त काम करते हैं। गर्म पानी के साथ अगर आप दालचीनी का सेवन नियमित खाली पेट करते हैं तो यह आपको कई वायरल बीमारियों से बचा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।